हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है HDMOVIEZ क्लब में। आज हम रिव्यू करने वाले साल 2020 की भारतीय तमिल भाषा के एक्शन क्राइम फिल्म माफिया चैप्टर 1 का, जिसके हिंदी वर्जन का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 11 अप्रैल 2021 को रात 9 बजे जी सिनेमा टीवी चैनल पर माफिया नाम से होने वाला है। फिलहाल यह फिल्म यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। क्या आपको इस फिल्म को टाइम देना सही रहेगा या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माफिया चैप्टर 1 2020 की भारतीय तमिल भाषा के एक्शन क्राइम फिल्म है, जिसे कार्तिक नरेंद्र द्वारा लिखित और निर्देशित किया है। फिल्म में अरुण विजय और प्रिया भवानी शंकर ने मुख्य भूमिका निभाई है। बात करें फिल्म के स्टोरी लाइन की, तो नारकोटिक्स ब्यूरो अधिकारी आर्यन अरुण विजय और उनकी टीम ने समाज में हो रहे ड्रग्स रैकेट को खत्म करने की ठान ली है और उसी दौरान उन्हें ड्रग माफिया के अवैध साम्राज्य का पता चलता है कि आर्यन ड्रग माफिया के साम्राज्य को नष्ट करने में सक्षम रहेगा या नहीं और यह करते समय उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बात करें फिल्म के प्लस पॉइंट की, तो फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट फिल्म की कास्टिंग अरुण विजय और प्रसन्ना है। जिस तरह से उनको फिल्म में रोल मिला है वो काफी प्रभावशाली है। नारकोटिक्स ब्यूरो अधिकारी आर्यन के रूप में अरुण विजय ने एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। खासकर एक्शन दृश्यों को उन्होंने बहुत ही विश्वसनीय तरीके से निभाया है। प्रसन्ना को एक स्मार्ट प्रतिपक्षी डीके के रूप में शानदार तरीके से पेश किया है और उन्होंने एक दिलचस्प प्रदर्शन दिया है। प्रिया भवानी शंकर को फिल्म में करने के लिए कुछ नहीं मिला है। फिल्म की एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी कमाल की है। फिल्म के सेकंड हाफ में असली एक्शन है जो आपको एंगेज बनाए रखती है। अपराध दृश्य, बीजीएम, पुलिस चोर और क्लाइमेक्स में आने वाला ट्विस्ट आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा है और अनएक्सपेक्टेड है, जो फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने की उत्सुकता बढ़ाता है। बात करें फिल्म के माइनस पॉइंट की, तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ खास नहीं है जो एक निराशाजनक है। फिल्म में ड्रग के ऊपर बहुत ही कम दिखाया गया है। फिल्म में इमोशनल बॉन्डिंग को भी अच्छी तरह से पेश नहीं किया गया है, जिसकी वजह से थ्रिल का एहसास नहीं होता है। बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की, तो गाने कुछ खास नहीं है, लेकिन क्लाइमेक्स के दौरान बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है और फिल्म में गहराई लाता है। एडिटिंग कार्य बहुत ही अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, कुछ डायलॉग प्रभावी तरीके से लिखे गए है। कुल मिलाकर माफिया चैप्टर 1 एक साधारण कहानी है, लेकिन एक्शन, कोरियोग्राफी और क्लाइमेक्स में आने वाला ट्विस्ट निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगा। आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए? अगर आप एक्शन थ्रिलर फिल्मों के साथ ट्विस्ट भी देखना पसंद करते हो तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। हमारी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि हम ऐसे नई वीडियो अपलोड करते डायरेक्ट आपको नोटिस मिल जाए। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी सिनेमा पर पहली बार माफिया रविवार 11 अप्रैल रात 9 बजे जी सिनेमा।